मनसे नेता बाला साहब शिंदे ने आज सेंट्रल रेलवे यार्ड तुर्बे में अधिकारियों से मुलाकात की और निवेदन देकर यार्ड में भोजनालय, स्वच्छ पानी और शौचालय की तत्काल व्यवस्था करने की मांग की। यहां हर दिन सैकड़ों ट्रक, ट्रेलर्स, चालक और कामगार आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। देखे रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह तुर्बे का सेंट्रल रेलवे माल गोदाम है, जहां हर दिन देश भर से सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर्स आते हैं। हर दिन आने वाला हजारों टन माल उतारने के लिए यहां सैकड़ों कामगार आते हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है, यहां हर दिन आने वाले हजारों लोगों के लिए ना तो कोई भोजनालय है, ना ही उनके लिए पीने योग्य स्वच्छ पानी का इंतजाम है, और तो और एक अध शौचालय तक नहीं है। जाहिर है, इन आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ट्रक ड्राइवर और कामगारों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ती है। फिलहाल इन मुसीबतों के समाधान के लिए मनसे शहर सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहब शिंदे ने यहां के चीफ गुड सुपरवाइजर सुनील डिकोड़ा से मुलाकात की और वाहन चालक और मथाड़ी कामगारों के लिए तत्काल व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल रेलवे यार्ड में हर दिन 3 से 4 हजार लोग आते हैं, उनके लिए भोजनालय और स्वच्छ पेयजल का इंतजाम होना चाहिए। बाला साहब शिंदे ने सवाल उठाया कि जिस नवी मुंबई को खुले में शौच से मुक्त शहर का इनाम मिला है, उस 21वीं सदी के शहर के रेलवे यार्ड में शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से कामगार रेलवे पटरी पर खुले में शौच करने को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन मुसीबतों का जल्द इंतजाम नहीं हुआ तो वे और तीव्र आंदोलन करेंगे। तुर्बे येथील तुर्बे सेंट्रल रेलवेचं जे रेल्वे यार्ड आहे इथे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आमच्या शिष्टमंडळासह। विषय असा आहे की ये यार्ड साधारण 1990 ते 1994 याच्यामध्ये इथे स्थापन झालेलं आहे। तेव्हापासून आजपर्यंत इथे अनेक वाहतूकदार, माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक आणि जनरल कामगार त्याव्यतिरिक्त इथले रेल्वेचे जे काम करणारे कर्मचारी आहेत ते सुद्धा इथे काम करतात। परंतु स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हे संपूर्ण भारत सरकारच्या अखत्यारीत येत असताना स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत इथे कुठेही स्वच्छ शौचालयाची व्यवस्था नाही आहे। अक्षरशः या ठिकाणी सांगताना लाज वाटते की रेल्वे पटरीच्या बाजूला इथल्या कर्मचाऱ्यांना उघड्यावर शौच करावं लागतं आहे। मला भारत सरकार असेल, इथले कलेक्टर असतील, रेल्वे यार्ड असेल, यांचे वरिष्ठ अधिकारी असतील किंवा आयुक्त असतील, या सर्वांना विनंती आहे की आपण तातडीने या ठिकाणी सुलभ शौचालयाची व्यवस्था करावी। त्याचबरोबर आमची अशी मागणी आहे की या ठिकाणी रोज हजारो कामगार, हजारो वाहतूकदार इथे माल वाहतूक करण्यासाठी ये जा करत असतात। या यार्डामध्ये अत्यावश्यक सेवेची वाहतूक होते। इथे कोरोना काळातसुद्धा हे यार्ड कधीही बंद नव्हतं, परंतु या इथे अशा परिस्थितीमध्ये लोकांना चहा नाश्ता म्हणून भोजनालयाची सुद्धा कुठेही व्यवस्था नाही आहे। इथल्या लोकांची अनेक प्रकारे गैरसोय होते। तर माझी या यार्डला, यार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, भारत सरकारला, राज्य सरकारला विनंती आहे की आपण तातडीने इथे भोजनालय आणि भोजनालयाबरोबरच शौचालयाची आणि पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।